स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। ये द एन्चेंटेड पुल का तीसरा पार्ट है, मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। और इसके पहले मैं दो पार्ट्स अपलोड कर चुका हूँ, इसके दो पार्ट्स मैंने अपलोड कर दिया है और ये तीसरा पार्ट्स अब यहाँ से पढ़ाने जा रहा हूँ। और अगर इसके दो पार्ट्स पहले आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो पहले उसको पढ़ लीजिए, तो उसके बाद में इसको पढ़ना शुरू करिए ताकि स्टोरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो आइए फ्रेंड्स, अपना वक्त ज़ाया न करते हुए लेसन को पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ से शुरुआत हो रही है। व्हाट से, व्हाट इज दैट, वो क्या है। देखिए अब यहाँ पर यक्ष क्वेश्चन कर रहे हैं युधिष्ठिर से, व्हाट इज दैट, वो क्या है। बाई गिविंग अप, गिविंग अप मीन्स होता है त्यागना, छोड़ देना। बाई गिविंग अप ने त्याग करके, व्हिच माइंड बिकम्स रिच, रिच मीन्स अमीर यानी धनी। वो कौन ऐसी चीज़ है जो इंसान त्याग देता है और अमीर बन जाता है, यानी त्यागने पर अमीर बन जाता है। व्हाट इज़ दैट, वो क्या है। बाई गिविंग अप व्हिच माइंड बिकम्स रिच, वो कौन ऐसी चीज़ है जो इंसान त्याग कर अमीर हो जाता है, यानी धनी हो जाता है। डिज़ायर, अब देखिए यहाँ पर युधिष्ठिर जवाब दे रहे हैं, डिज़ायर इच्छा ख्वाहिश। इफ़ माइंड गिव्स अप बींग ग्रेडी, ग्रेडी में होता है लालच करना, लालची। यदि इफ़ माइंड गिव्स अप बींग ग्रेडी, यदि इंसान लालच करना त्याग दे, लालच करना छोड़ दे, ही विल बिकम वेल्दी, वह धनी हो जाएगा। ये ही आया है, ये युधिष्ठिर के लिए लगा है। ही विल बिकम वेल्दी, वह धनी हो जाएगा, अर्थात वो अमीर हो जाएगा। वाट मेक्स वन अ रियल ब्रह्मा, व्हाट मीन्स क्या, मेक्स मीन्स बनाता है, वन मीन्स एक रियल मीन्स अ रियल, एक ब्रह्मा और रियल मीन्स वास्तविक, ब्रह्मा मीन्स ब्रह्मा। वो कौन ऐसी चीज़ है जो इंसान को वास्तविक ब्रह्मन बना देती है। व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्रह्मा, वो क्या है, वो कौन ऐसी चीज़ है जो इंसान को वास्तविक ब्रह्मन बना देती है। अब इज इट बर्थ, क्या वो ज्ञान, क्या वो पैदाइश है। देखिए यक्ष यहाँ पर तीन ऑप्शंस रख रहे हैं। इज इट बर्थ, क्या वो पैदाइश है, गुड कंडक्ट अच्छा आचरण है, और या लर्निंग ज्ञान है। इन तीनों में से यक्ष पूछ रहे हैं कि आखिर कौन सी चीज़ है, पैदाइश है, अच्छा आचरण है, या ज्ञान है। आंसर डिसीवली, यानी दृढ़ता से उत्तर दीजिए, निडर होकर के उत्तर दीजिए, इसका जवाब दीजिए। अब यहाँ पर देखिए युधिष्ठिर जवाब दे रहे हैं, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्रह्मा, यानी पैदाइश और ज्ञान इंसान को एक ब्रह्मन नहीं बना सकते हैं। गुड कंडक्ट एलोन डज, अच्छा आचरण इंसान को ब्राह्मण बना देता है, यानी इंसान के पैदाइश और ज्ञान की बुनियाद पर अच्छा ब्राह्मण नहीं बन सकता है, केवल अच्छे आचरण की बुनियाद पर अच्छा एक ब्राह्मण बन सकता है, वास्तविक ब्राह्मण बन सकता है। हाउ एवर लर्नेड अ पर्सन मे बी, हाउ एवर लर्नेड, कितना भी ज्ञाता क्यों ना हो, एक व्यक्ति कितना भी विद्वान क्यों ना हो, कितना भी ज्ञाता क्यों ना हो, ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण, वो सच्चा ब्राह्मण नहीं बन सकता, वो एक ब्राह्मण नहीं बन सकता है, विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स। विदाउट मीन्स बिना गिविंग अप मीन्स होता है त्यागे और बैड हैबिट्स यानी बुरी आदतों को, बैड मीन्स बुरा, हैबिट्स मीन्स आदतें, यानी बुरी आदतों को त्यागे बिना, बुरी आदतों को छोड़े बिना वो एक ब्राह्मण नहीं बन सकता है। इवन दो, भले ही मे बी लर्नेड इन द फोर वेदास, भले ही वो चारों वेदों का ज्ञाता हो, ठीक है, इवन दो, भले ही मे बी लर्नेड इन द फोर वेदास, भले ही वह चारों वेदों का ज्ञाता हो, अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू अ लोअर क्लास, यानी एक बुरे आचरण वाला इंसान निम्न श्रेणी का हो जाता है। युधिष्ठिर के मुताबिक इंसान चाहे चारों वेदों का ज्ञाता क्यों ना हो, चाहे जितना बड़ा विद्वान क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर उसकी बुरी आदतें हैं तो वह निम्न श्रेणी का हो जाता है। और एक अच्छा ब्राह्मण बनने के लिए अपने आचरण को अच्छा बनाना चाहिए, तब वो जाकर के एक अच्छा ब्राह्मण बन सकता है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है, द ग्रेटेस्ट मीन्स होता है महान, ये सबसे बड़ा, वंडर मीन्स आश्चर्य, इन द वर्ल्ड संसार में, इस दुनिया में, इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। फिर देखिए ये
यक्ष क्वेश्चन कर रहा है कि इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। अब यहाँ पर युधिष्ठिर जवाब दे रहे हैं, एवरी डे प्रत्येक दिन मेन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यमास किंगडम, प्रत्येक दिन रोजाना इंसान प्राणियों को देखते हैं कि यमराज की तरफ जा रहे हैं, अर्थात मर के जा रहे हैं, इस लोक से उस लोक की तरफ जा रहे हैं। एंड येट, और फिर भी, दोज हु रिमेन, यानी जो लोग बच जाते हैं, वांट टू लिव फॉर एवर, हमेशा के लिए जीवित रहना चाहते हैं। रोजाना सभी लोग देखते हैं कि कोई ना कोई मर के जा रहा है, उसके बाद जो लोग बच जाते हैं वो हमेशा के लिए जीवित रहना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यह सत्यता ट्रूली मिस होता है, वास्तव में यह सबसे बड़ा आश्चर्य है। दिस ट्रूली, ट्रूली मिस सत्यता, दिस सत्यता, दिस ट्रूली यह सत्यता इज द ग्रेटेस्ट वंडर, सबसे बड़ा आश्चर्य है। देखिए रोजाना हम लोग देखते हैं, बारहा देखते हैं कि कोई ना कोई मर के इस लोक से उस लोक की तरफ जा रहा है, अर्थात यमराज की तरफ जा रहा है, उसके बावजूद जितने लोग इस दुनिया में बाकी रह जाते हैं वो हमेशा के लिए जीवित रहना चाहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर युधिष्ठिर कह रहे हैं कि दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यह सत्यता सबसे बड़ा आश्चर्य है। यहाँ से देखते हैं फ्रेंड, दस इस तरह द यक्षा पुट मैनी क्वेश्चंस एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, इस तरीके से या इस तरह यक्ष ने बहुत सारे सवालात रखे, बहुत सारे प्रश्न रखे, एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर ने उन सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए, यानी सारे सवालातों के जवाबात दे दिए, जितने युधिष्ठिर यक्ष ने सवालात किए थे युधिष्ठिर से, उन सभी के सवालात, उन सारे सवालात के जवाबात दे दिए। इन द एंड, अंत में नहीं, आखिरी में, द यक्षा आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, अंत में यक्ष ने पूछा, ओ किंग, ओ राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड, ओ राजा अब तुम अपने मृतक भाइयों में से एक भाई को जीवित करा सकते हो। अब देखिए यहाँ पर ज़बरदस्त इम्तिहान हो रहा है, यक्ष के द्वारा जो सवाल पूछा जा रहा है, उनका इम्तिहान लिया जा रहा है, यक्ष के द्वारा युधिष्ठिर का जो इम्तिहान लिया जा रहा है, यहाँ पर ज़बरदस्त इम्तिहान हो रहा है, क्योंकि अब उसके दो मरे हुए भाई पड़े थे, तो अब वहाँ पर यक्ष कह रहा है युधिष्ठिर से कि अपने दोनों मृतक भाइयों में से किसी एक को पुनर्जीवित करा सकते हो, यह सबसे बड़ा इम्तिहान है। Who do you want to come back to life? Whom is कौन, किसे do you want, तुम किसे चाहते हो to come back to life, नहीं तुम किसे पुनर्जीवित कराना चाहते हो, किसे दोबारा जिंदा कराना चाहते हो। यहाँ से है, इट टुक युधिष्ठिर, फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा मिटा हुआ है इसको, ये युधिष्ठिर है, थोड़ा मिट गया है, इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक, यानी युधिष्ठिर को यह सोचने में एक पल भी नहीं लगा, एक लम्हा नहीं लगा, एक क्षण नहीं लगा, इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक, युधिष्ठिर ने एक लम्हा के अंदर, एक क्षण के अंदर सोच लिया, एंड देन, और तब ही विश्ड, उसने इच्छा व्यक्त की, अपनी ख्वाहिश को जाहिर कर दिया, दैट की द क्लाउड कॉम्प्लेक्सियंड, यानी बादलों जैसे रंग वाला लोटस आइड, ये फ्रेंड्स यहाँ पर लोटस लिखा हुआ है, एल मिट गया है, तो ये लोटस पढ़ा जाएगा, लोटस आइड कमल नयन वाला, ब्रॉड चेस्टेड चौड़ी छाती वाला, एंड लॉन्ग आर्म्ड नकुला और लंबी भुजाओं वाला नकुल जीवित हो जाए, लाइंग लाइक अ फॉलन एम्बनी ट्री, जो एक एम्बनी ट्री के समान पड़ा हुआ है, और माइट एराइज पुनर्जीवित हो जाए, दोबारा जिंदा हो जाए। फिर से देख लेते हैं, इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक, युधिष्ठिर को यह सोचने में एक क्षण लगा, एक लम्हा लगा, यानी ये सोचना शुरू कर दिया, जब यक्ष ने उनसे क्वेश्चन किया था, प्रश्न किया था कि अपने एक भाई को पुनर्जीवित करा सकते हो, दोबारा जिंदा करा सकते हो, जो दो मरे हुए भाई पड़े हैं उनमें से किसी एक को जीवित करा सकते हो, तब युधिष्ठिर ने सोचना शुरू कर दिया और तुरंत सोच लिया, उसने क्या अपनी इच्छा को, अपनी ख्वाहिश को जाहिर कर दिया, तो उसने कहा कि दैट की क्लाउड कॉम्प्लेक्सियंड लोटस आइड ब्रॉड चेस्टेड एंड लॉन्ग आर्म्ड नकुला, बादलों जैसे रंग वाला,
कमल नयन वाला, चौड़ी छाती वाला, लंबी भुजाओं वाला नकुल जीवित हो जाए। लाइंग लाइक ए फॉलन एम्बनी ट्री, जो एक एम्बनी पेड़ के समान पड़ा हुआ है, माइट एराइस पुनर्जीवित हो जाए, दोबारा जिंदा हो जाए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच।